अरे भाई हो गया क्या? अरे पारस पायरेट्स की तरफ से बॉलिंग डालने के लिए आए हैं सुजीत, ओपनिंग बॉलर के तौर पे खास पहचान है सुजीत भाई की। बैटिंग के लिए आए हैं कुश और यश। देखिए हमारे प्रेम रावल के पिताजी जीतेश रावल भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम JPL कर्जत सीजन 4 में स्वागत करते हैं। एक अच्छे स्कोरर के तौर पर प्रेम उभर कर आए हैं क्रिकेट की दुनिया में। और मराठी मध्ये आम्ही नेहमी असं म्हणतो, पुत्र भवा ऐसा गुंडा जैसा तिनी लोकी झेंडा। तो प्रेम आजकल स्कोरिंग की दुनिया में अपना झंडा गाड़ रहे हैं। तो रावल साहब आपको आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं स्टार्ट किया जाए के लिए। लेट्स प्ले यार। अरे वाइड बॉल के साथ शुरुआत करते हुए सुजीत भाई। देखिए ये दोनों मैच जीत चुके हैं, तीसरा जीते तो क्वालिफाई के चांसेस लगभग बहुत ज्यादा बनेंगे। और ऐसी सिचुएशन में उनका खिलाड़ी सोने गया, क्या बोलूंगा मैं। एक रन डिक्लेयर। जहां पे निवाला मुंह में जाने वाला है वहां पे खाने वाला इंसान नहीं। सही बात है। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। इसी अंपायर की कितनी तारीफ करेंगे आप, सुबह से डटे हुए अपने काम पर, ईमानदारी से अपना काम करते हुए सभी अंपायर्स। और ये रन आउट का चांस बन सकता था यहां पे, पारस सनक्स विकेट मिल सकता था। डायरेक्ट हिट चाहिए था उस हर्ष की तरफ से। सचिन ओसवाल आपने कितने मैच जीते, एक और मैच कितने हुए आपके, दो में से एक जीता, ठीक है बैलेंस है आप। तीन कौन जीता है, तीन सुबह से अभी तक तीन मैच कोई भी नहीं जीता है। अरे जीतेंगे भाई, लड़ेंगे तो जीतेंगे, संघर्ष करना जरूरी है। पारस पायरेट्स जीवन में मैं हमेशा कहता हूं कि संघर्ष का होना जरूरी है, बगैर संघर्ष का जीवन खाने में नमक के ना होने के बराबर है। बात है ओवर। देखिए धीरे धीरे हमारा जाने का समय हो चुका है, तो एनर्जी भी हमारी अपने आप बढ़ेगी। 6 बजे यहां से ओवर की समाप्ति पे स्कोर हो चुका है 6 रन फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट। गेंदे दूसरी ओवर लेके आए अजीत भाई। अजीत भाई देखिए पुराने जमाने में अजीत नाम के एक विलन थे और वो हमेशा ये कहते थे सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। ये लायन है इस टीम के। डबल के साथ शुरुआत करते हुए दानवी इस ओवर की। देखिए गिरे जरूर लेकिन गिरने का टाइमिंग गलत था, रन पूरा हुआ फिर गिरे, रिवाइंड करके देखिए यूट्यूब पर। एक बॉल 8 रन और ये अच्छा बॉल और रन आउट का ये चांस और अपनी विकेट गवा बैठे कुश। इसी तरह से दानवी 10 की पहली विकेट गिरते हुई। हमारे पर है राजा बॉय की भी 2 मैच जीती है ना टीम। राजा बजा दे बैंड बाजा। नए बैट्समैन आए सनी भाई जिनका नाम है नितिन। अच्छी बॉलिंग यहां पे अजीत भाई की, कोई रूम ना देते हुए बैट्समैन को। देखिए अगर ये 1980 के दशक में इस गेंद पर अगर आप कमेंट्री सुनते तो इस प्रकार से सुनते, सीधे बल्ले से ड्राइव किया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, वहां पे सिंगल मिला और ये रन आउट का चांस था। यहाँ पे देखते हैं अंपायर क्या डी और ये आउट। और ये देखिए पारस आउट दे दिया यहाँ पे अंपायर ने, रन आउट हो चुके। यश 9 खिलाड़ी लेकर खेल रही है लेकिन जज्बा देखिए उनमें दिया गया। 10 10 प्लेयर एक उधार लिया, एक उधार लिया, बहुत ही अच्छी विकेट ये पारस पायरेट्स के लिए। स्ट्राइक बैट्समैन दानवी सुपर 10 के आउट होते हुए नेक्स्ट बैट्समैन आए गौरव भाटिया। अच्छी बॉलिंग यहाँ पे अजीत भाई की। स्कोर
दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर हो चुका है 9 रन। एक तरफा मैच ना हो जाए कहीं, लो स्कोरिंग, लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स बहुत पसंद है। नेक्स्ट बॉलर आए हैं प्रिय, जिन्होंने पहली मैच छक्का मार के जिताया था पारस पायरेट्स को ये टूर्नामेंट में। प्रिय एक गहनार यंगस्टर है, बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टार। एक एक रन करके दानवी अपना स्कोर कार्ड आगे बढ़ाते हुए। रिजल्ट से बेहतर है कि नहीं ये तो नहीं मुझे पता, क्योंकि मैं पहली बार आया हूं। जोर से मारा ये वापस बॉलर की तरफ गौरव, एक ही रन मिलेगा। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, दो बॉल की समाप्ति पे स्कोर बढ़ा। उठा के मारा है सीधा कैच, और ये पारस एनएक्स विकेट, पारस एनएक्स विकेट। डीजे कभी तो सही बात। यहाँ पे भावेश ओसवाल आते हुए बैटिंग करने, पहले ही गेंद पे बहुत ही बढ़िया। देखते हैं अंपायर का क्या डिसीजन होता है। नो वन बाउंस बॉलर के हाथ में, स्ट्राइक पे गौरव भाटिया। 4 बॉल 13 रन। सिंगल डबल से स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ। नो बॉल है, नो बॉल, नो बॉल का इशारा अंपायर का, साइड आर्म के लिए नो दिया है। देखते हैं अभी ये स्टंपिंग भी आउट दिया गया है। नो बॉल पे विकेट, पारस एनएक्स विकेट। इसी तरीके से दानवी का स्कोर है। कीपर कौन है रे? राजा पीयूष ना, पीयूष, पीयूष राजा। कौन आउट हुआ? गौरव भाटिया। मितेश, टीम ओनर और कैप्टन मितेश। 5 बॉल 15 रन, 5 बॉल 15 रन स्कोर चाहिए होगा दानवी को डिफेंड करने के लिए पारस के सामने। यहाँ पे बहुत ही बड़ा छक्का लगाते हुए पारस, बात की थी स्कोर बढ़ने के लिए और छक्का मार दिया है पारस NX6। पारस NX6 मार दिया है यहाँ पर। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया छक्का लगाते हुए भावेश ओसवाल, पारस NX6। 3 ओवर 21 रन। यहाँ पे पारस पायरेट्स के स्ट्राइक बॉलर आ चुके हैं तनिष। पहले गेंद पे 1 रन। यहाँ पे चोट लगी है बल्लेबाज को, फर्स्ट एड किट लेके जाए प्लीज डॉक्टर।
दो चाहते थे पर नहीं, अच्छी फील्डिंग। यहाँ पे आउट हो चुके हैं मितेश बोल्ट। स्कोर 25 रन, 4 ओवर 25 रन, लास्ट ओवर है, डालने आए आयुष नहीं अक्षय। भावेश ओसवाल ऑन स्ट्राइक, यहां पे बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया अपन, अनलकी होए, एक ही रन मिलेगा, एक ही रन से संतोष। एक रन मिलेगा यहाँ पे, वापस से भावेश ओसवाल ऑन स्ट्राइक, छक्का मारने जाएंगे शायद तक, स्कोर कम है इसलिए अंपायर का निर्णय वाइड, यहाँ पे आउट हो चुके हैं भावेश ओसवाल, स्ट्राइक बैट्समैन आउट हो चुके हैं टीम के। अभी आते हुए बैटिंग करने आए हैं, अंपायर का निर्णय नो बॉल, नो बॉल, नो प्लस वन। यहां पे आउट हो चुके, एज लग गए, लीडी एज। विकेट पे विकेट, दानवी सुपर टेन्स, फर्स्ट इनिंग खत्म हुई है, स्कोर बोर्ड 34 रन हुए, 34 रन हो चुके हैं, 35 रन चाहिए, 35 35 रनों की गरज। अगला टॉस पारस पायरेट्स अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए, 35 रनों की जरूरत, यहाँ पे टीम के स्ट्राइक बैट्समैन आयुष आ चुके हैं, और भारत ब्लास्टर वर्सेस पीडी रॉयल्स स्ट्राइकर्स, पीडी स्ट्राइकर्स दोनों कप्तान अपना टॉस कीजिए, चिंटू राइडर्स के जल्द से जल्द दोनों टीम के कैप्टन आ जाइए। स्टार्ट कीजिएगा मैच जल्द से जल्द, आयुष स्ट्राइक, भारत ब्लास्टर हैव वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, और ये विकेट का पतन यहाँ पर आयुष द्वारा, पार्स एन एक्स विकेट।
हेलो एक रन लिया है, एक रन, चार बॉल पांच रन, स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हुए। रोहित साहब आइए आइए, आप आते हैं तो मजा आता है। आइए आइए हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ रहे हैं, मोंटू नाम से जाने जाते हैं। रोहित साहब दूसरी भी जीत मिली आपको लगातार। हेलो, सबसे पहले तो मैं आपको दूसरी जीत की बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद। छह रन बॉल, एक ओवर छह रन। कौन जीता टॉस, कौन जीता टॉस? टॉस सिंगल आया ना, हेलो प्रेम जरा स्कोर बताते जाइए। यस यस, कितना हुआ? तीन बॉल नौ रन, तीन गेंदों पे तीन रन। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव खेला था, एकदम परफेक्ट सचिन तेंदुलकर जैसा, पर अंपायर का निर्णय आउट। कीपर कौन है? कीपर भावेश, कीपर कौन है? कीपर कौन है? किरण मोरे, कुणाल किरण मोरी की तरह कीपिंग कर रहे हैं ऐसा मैं कहने वाला था। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्वीप शॉट एक रनों के लिए। कितनी गेंदे कितने रन चाहिए? 19 बॉल में 25 रनों की जरूरत, एक छक्के का फासला। यहाँ पे बहुत ही खराब बॉलिंग, वाइड बॉल, वापस से वाइड बॉल, लाइन लेंथ भूल चुके हैं। बहुत ही बढ़िया रनिंग, तीसरे रन मतलब तीन रन ले लिए, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ओवर, तीन ओवर में 20 रनों की जरूरत। यहाँ पे आए हैं यश जैन, जॉनसन नाम से जाना जाते हैं। हाँ, अरे हमारे वहां पे संदीप रहते थे, वो कहाँ गए? वो जरा निराश हो गए लगता है, निराश, तीन मैच हार चुके हैं इसलिए। ऋषभ इंडियंस, देखिए मुझे जब मैं सुबह आया था तो सबसे ज्यादा जर्सी पहने हुए सपोर्टर्स और खिलाड़ी ऋषभ इंडियंस के ही नजर आ रहे थे। एक रन को निराश किया इन लोगों ने, एक रन ले लिया है। कोई बड़ा नाम होगा ऋषभ, क्योंकि इतने लोगों को उन्होंने जर्सियां प्रदान की है अपनी टीम की। बहुत ही बढ़िया शॉट और वैसे ही बहुत ही खराब फील्डिंग कुश के द्वारा दो रन दे दिए। ओ रन आउट हो सकते थे पर रन आउट नहीं हुए। डॉट बॉल, चार बॉल 19 रन, चौदह गेंदों में 16 रनों की जरूरत। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ऑफ ड्राइव खेल चुके हैं एक रनों के लिए, 13 गेंदे 15 रन की जरूरत। कौन सा?
यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट खेले है एक रनों के लिए। ओ आउट कौन है? आउट अंपायर अपना निर्णय दीजिए। अभी नहीं को हम हमारे कमेंट्री बॉक्स में बुलाना चाहेंगे, जो उन्होंने मैच विनिंग पारी खेली उसके बारे में उनसे पूछना जरूरी है। आउट कौन है? आउट अक्षय आउट। अभी नहीं कौन से रन पे आउट हुआ है? बॉक्स क्रिकेट आप कब से खेल रहे हैं? पहला सवाल मेरा यही होगा क्योंकि मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ। 4 साल से खेल रहा हूँ। 4 साल आप खेल रहे हैं, ये 4th साल है JPL कर्जत season 4 का। 4 साल में यही आपकी एक स्प्लेंडेड इनिंग है या इससे पहले आपने? ओवर हो गई, ओवर ओवर हो चुका है। 12 में 14 रनों की जरूरत। इससे पहले आपने कभी ऐसी इनिंग खेली थी इस कर्जत JPL season 4 है ये, season 3, season 2, season 1 में? क्योंकि मैं वहां पे नहीं था। नहीं नहीं, यही पहली इनिंग थी, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, ऐसा कहा जाता है। एक सेकंड, वो कैप अलाउड नहीं है। नहीं नहीं, वो पर्पल कैप है, सॉरी सॉरी, पहन सकते हो, पहन सकते हो, अलाउड है, अलाउड है, पर्पल कैप है, पहन सकते हो, पर्पल कैप पहन सकते हो। भाई आपने मेहनत करके वो हासिल की है, हम कौन होते हैं उसे निकालने वाले? नहीं, हमको इधर से अलग कलर लगा इसलिए। व्हाइट बॉल, पहन सकते हैं, पहन सकते हैं पर्पल कैप। ओ अंपायर का निर्णय। अभी नहीं सर, आप 4 सालों से खेल रहे हैं, आउट दिए, आउट। ये पारस सेनेक्स विकेट आ चुका है। 4 सालों से आप खेल रहे हैं, लेकिन 3 साल के इंतजार के बाद आपने ये किस तरह, आपके फैमिली का आपको सपोर्ट मिला इस पारी खेलने के बाद? अभी न्यू बैट्समैन कौन आ रहे हैं? अभिनय जी जरा बोलिए। प्रिय ओसवाल आ चुके हैं, पहला मैच उन्होंने छक्का मार के जिताया था, अभी देखते हैं। कितनी गेंदे, कितने रन चाहिए? 10 गेंदे 12 रन, 10 गेंदे 10 बॉल में 12 रनों की जरूरत। देखिए बॉलर सभी भी मैच निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि निकाल नहीं सकते, मेहनत निकल सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ, ईमानदारी और लगन के साथ मेहनत की जाए तो सफलता आपके कदम चूमती है, क्योंकि साईं बाबा ने हमें सिखाया है श्रद्धा और सबूरी। जो काम करो श्रद्धा पूर्वक करो, सब्र करो, फल हमेशा मीठा मिलेगा। प्रवीण, एक नंबर प्रवीण भाई, आपकी कमेंट्री हमको बहुत ही पसंद है। 12-14 ना, 12-14 मैंने 12 गेंदे 14 रनों की जरूरत। 10 बॉल 12। अरे वो बोला पहले 12-14, उसके बाद में बोला यार, गलती करे कोई और सजा भुगतो मैं, ऐसा तो ही है इधर तो। नहीं नहीं, 6 बजे हमने दूसरे को जुबान दी है, आपके लिए भी हमने एक रन। नहीं नहीं, आपके लिए हमने 6 बजे जुबान दी है। 5 बज चुके, 6 बजे कर्जत भाटे में हमारी गाड़ी तैयार होगी। माती बॉल, बॉल बॉल देखिए, लेकिन इस JPL कर्जत season 4 में 5 गेंदे हुई है, सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के चाय तक किसी भी चीज की कमी नहीं है। बिल्कुल एकदम माहौल यहाँ पर बन चुका है, महोत्सव यहाँ पर हो रहा है, विकेट भी जा रही है, पारस एनेक्स विकेट यहाँ पर जा रही है। पूरे दिन के यहाँ पर सारे शोज हमारे हाउसफुल रह चुके हैं, इवनिंग में आज फुल हाउस बुकड है, ब्लैक बट किड्स बाहर बिक रही है, बहुत ही जबरदस्त माहौल शाम को देखने मिलेगा। स्कोर बोर्ड 1 ओवर की समाप्ति पर होता है 15 रन, बहुत ही अच्छी शुरुआत। बहुत ज्यादा रन बने हैं, 15 मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी शुरुआत। रोहित सर देखिए, रोहित सर हमारे, फोटो सेशन हो रहा है बाबा इंटरनेशनल स्कूल, बाबा इंटरनेशनल स्कूल आज के हमारे टाइटल स्पॉन्सर है यहाँ पर, और उनके स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल मजे ले रहे हैं, और मजे लेने भी बनते हैं उनके यहाँ पर, क्योंकि वो एक हमारे टाइटल स्पॉन्सर है आज। क्या बोल लो अंकल, बोला मॉन्टू हमारे कमिटी मेंबर अपनी डॉटर के साथ फोटो खींचते हुए।
घरवाली के साथ। हाँ ये देखिए, ये अंकल ने हमें बोलने को कहा, वरना हमारी क्या मजाल, हमारी क्या मजाल कि मंटू भाई की उड़ाए। सभी से विनती है और दरख्वास्त है कि हाइटी का मजा लीजिए, बहुत ही जबरदस्त लजीज जैसे भजिए बने हुए हैं, साथ ही साथ ब्रेड बटर बनाया हुआ है और चाय कॉफी का तो क्या कहना, जबरदस्त। हमारी फूड कमेटी लगी हुई है, फूड का मनोरंजन करा रही है। अगले 10 मिनट में टी काउंटर, हाइटी काउंटर देखिए, खिलाड़ी को समाप्ति पर लेकर जाया जाएगा। तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो दर्शक आए ना, दर्शक 150 या 200 ग्राम अपना वजन बढ़ा के जाएंगे यहाँ से आज की रात जब घर जाएंगे। बेशक हर किसी को अपना वजन गिनना है जरूर। एक रन मिला, दूसरा क्या करना पड़ेगा, मिला है दूसरा, और इन दो रनों के साथ टोटल उसकी गलती है, मैं बोलता हूं अभी देखो 19 ओवर नंबर दूसरा। देखिए हमारे कमेंटेटर आतिश, काफी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है उनके द्वारा। अभिनय प्लीज मंच पर आए अभिनय। तो दो ओवर टोटल, स्कोर बोलते जा रहे 21 क्या, 21 क्या, 21 यानी कि दूसरे ओवर में 6 ही रन आए। बे ओवर 21 ना, सिंगल आया ना यहाँ पे, सिंगल डबल है ना 23। संदीप जरा आप ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ी गड़बड़ है। चलिए एक रन यहाँ पे जरूर मिलेगा, और ऐसा लगा था कि ये पारस एनएक्स छे आएगा। और यहाँ पर हमारे आज के कैप विनर, अभी तक की जो कैप है बैटिंग की, वो है दर्शिक भाई के पास। बहुत ही उमदा बैटिंग का नज़ारा यहाँ पर पेश किया है दर्शिक भाई ने, और स्ट्राइक पे हमारे कमिटी के होनहार ऐसे व्यक्ति आतिश भाई खेल रहे हैं अभी। वन प्लस वन, वाइड प्लस वन का इशारा यहाँ पर अंपायर द्वारा। देखिए ना वाइड प्लस वन आ चुका है, ये गेंद थोड़ी देर ऐसा लगा था हवा में होगी, लेकिन कारपेट के सहारे कवर्स में खेला था जी। बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर भारत ब्लास्टर्स, पूरी टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छी बैटिंग का यहाँ पर हमें नजारा दिखाया। और ये यहाँ पर ग्राउंड शॉट आतिश भाई का, एक रन। मुझे लगता है कि वो बल्ला नहीं हनुमान की गदा लेकर आए हैं, इस तरह उनकी बल्लेबाजी हो रही है। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर होता है 30 रन, 10 की औसत 30 रन। मैंने तो कहा कवर किया इन लोगों ने, दो ओवर में 15 ही दिए, पिछले ओवर में 6, इस ओवर में 9, क्योंकि पहले ओवर में 15 आए थे। तीन ओवर 30 कवर किया, कवर किया वंश, डरिए मत, कवर किया आपने। अगली ओवर लेकर आ रहे यश, स्ट्राइक पर है आतिश। क्या गेंद डाली, अच्छी गेंद थी, राइट अप इनटू द ब्लॉक हॉल। और हमारे आज के इनफॉर्म फील्डर सीए रौनक, जो अपना जन्मदिन मना रहे टर्फ पे, और यहाँ पर यश की खूबसूरत बॉलिंग। और देखिए अगर पीडी स्ट्राइकर्स विनर होती है तो यश के जो हमारे जो रौनक है उनके जेब के भी खर्चा ज्यादा गिरेगा, क्योंकि टीम को थोड़ी बार तो पार्टी देनी ही पड़ेगी। टीम को नहीं, कमेटी टीम को भी उसको पार्टी उनको देनी पड़ेगी यहाँ पर, और शायद कैश लेकर ही आए हैं वो बैग में। हाँ बंडल लेके आए लाख रुपए का। और अच्छी फील्डिंग अच्छी ट्राई की थी दीक्ष ने, लेकिन गेंद थोड़ी सी क्विक चली गई। और मैं इसलिए बोला बंडल लेके आया, मैं जब खाने गया था पीछे गए थे तो वो गिन रहे थे 200 नोट 500 के।
आउट पारस नेक्स्ट विकेट। पारस नेक्स्ट विकेट जरूर मिल चुकी है यहाँ पर यश को और एक बहुत ही अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन। देखिए जेपीएल कर्जत सीजन 4 अभी मेरे जाने का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है लेकिन ये लीग मेरे जहन में रहेगी। हर जैन फैमिली ने इस लीग को सपोर्ट किया है, यकीन मानिए छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक और हर खिलाड़ी के माँ हो या उनकी बहन हो या फिर उनकी बीवी हो, फैमिली मेंबर्स, हर फैमिली मेंबर्स ने इस जेपीएल को सपोर्ट किया है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ से मैं क्या लेकर जाऊँगा तो ये यादें लेकर जाऊँगा। जरूर प्रवीण भाई, नो प्लस वन का यहाँ पर इशारा है अंपायर का। और प्रवीण भाई जो आज के हमारे कमेंटेटर रसायनी से आए, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हम सबका यहाँ पर रहा है उनके साथ। एक बार ज़ोरदार हम सबको तालियाँ बजानी चाहिए प्रवीण भाई के लिए। हाँ वो तो है, तालियां तो बजानी चाहिए क्योंकि तालियां जब बजती है तभी हमारा हौसला बढ़ेगा। डेड बॉल इस टूर्नामेंट को बैक एंड सपोर्ट देने के लिए। चलिए बॉल डिलीवर होते समय हम बोलेंगे नहीं, बॉल है क्या ये? बॉल काउंट है, काउंट है, डॉट ना, खतरा हुआ। पांच बॉल हो चुके हैं अंपायर, पांच लास्ट को। और ये देखिए क्या कैच लिया, कौन है ये धुरंधर? ये है हमारे पप्पू भाई, आपको कहना चाहूंगा। पप्पू भाई मुझे लगा ये महाभारत के अर्जुन जो नीचे देखा और ऊपर की मछली की आंख खोली। ये पहले टूर्नामेंट में इनका नाम नहीं था, ये वेटिंग लिस्ट में थे और
जो टीम जीतेगी उसके क्वालिफाई के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। ये टीम्स क्वालिफाई हो चुके हैं क्योंकि दो टीम्स इस ग्रुप में तीन तीन मैच हार चुकी है, तो इसके कारण बाकी की चार टीम्स को ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन क्वार्टर फाइनल्स का मिल चुका है। ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है बट अनऑफिशियली वो आगे पहुंच चुकी है। इनको पता होगा शायद आंकड़ों का खेल। यस यस, देखिए लेकिन सपोर्ट क्या मिला है, इसी तरह अगर आप करते रहेंगे ना। चिंटू राइडर्स और आरआर रॉयल्स के कप्तान टॉस के लिए पधारे। देखिए जेपीएल कर्जत सीजन 4 ये चल रहा है, इसी तरह अगर आप मेहनत करोगे ना मोहित भाई, तो यकीन मानिए रायगढ़ के हर शहर हर कोने से आप इन जैन भाइयों को एक साथ लेकर आ सकते जरूर, हैं। जरूर आगे का ये हमारा जरूर प्लान रहेगा जिसमें इस इवेंट को और बड़ा करने की कोशिश करेंगे। और इस इवेंट को और बड़ा करने के लिए आज की हमारी स्कोरिंग टीम में हमारे साथ मौजूद है खास मोपाड़ा से रौनक भाई और ऋतिक भाई, इनका जेपीएल कमेटी खूब खूब धन्यवाद और आभार मानती है। और कर्जत से भी हमारे दो दोस्त यहाँ पर मौजूद है, हुसैन भाई और प्रेम भाई, उनका भी खूब खूब कमेटी यहाँ पर आभार और धन्यवाद मानती है। हाँ, प्रेम भाई का तो आधार मानना ही होगा, महाभारत के शकुनी से कुछ सीख के आए ही है, हर बार उंगली डालते हैं कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो। आपको तो मस्ट विन मैच होगा ना, अगला मैच मस्ट विन। आरआर रॉयल्स वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। ये देखिए बॉलर बैक टू द बॉलर, यंगेस्ट बॉलर, यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करने वाला ये जेपीएल का बंदा रुद्र, बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए अगर आप पुराण में जाएंगे ना, पुराण में तो शंकर का 11वां अवतार रुद्र हनुमान को माना जाता है। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर वो अपना अवतार निभा रहे हैं रुद्र भाई। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का यहाँ पर पेशकश, अगली गेंद ग्राउंड शॉट, केवल एक रन मिलेगा। लेकिन मैं संदीप की तरफ देख रहा हूँ, पूरी तरह से निराश है संदीप। अपनी हार से जरूर निराश लेंगे लेकिन जेपीएल की सक्सेस को देखकर वो हमेशा खुश रहते हैं। हमारे ऐसे कमिटी मेंबर है जो हमेशा यहाँ पर बैक का जो काम होता है, लाइन वर्क जो होता है, बाकी जो काम होते हैं यहाँ पर मैचेस को स्टार्ट करना एंड करना, इस काम में वो बखूबी अपना रोल निभाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कोशिश हुई कैच लेने की, बहुत ही अच्छा एफर्ट, बहुत ही अच्छा एफर्ट वैभव की, जबरदस्त। पांच हुए ना, बॉल कितने हुए, पांच रन कितने आए, चार। देखिए अब दोनों पंडाल धीरे धीरे पूरे भरने वाले हैं। जैसे जैसे सूरज ढलता जाएगा वैसे वैसे यहाँ की जो क्राउड का जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से जब मैं बाहर गया था थोड़ी देर के लिए तो मैंने पूछा टिकट का भाव क्या है, तो 200 रुपए का टिकट 20,000 में बेचा जा रहा है। जरूर यहाँ पर अभी थोड़ी सी ब्लैक टिकटिंग शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर अच्छा कैच विकी भाई ने यहाँ पर लपक लिया है भारत ब्लास्टर्स के लिए और एक मजबूत पोजीशन में पहुँचा दिया है भारत ब्लास्टर्स की टीम को। जो भी इस मैच को जीतेगी वो अपना हैट्रिक निश्चित करेगी जेपीएल सीजन 4 के लीग राउंड में और अपनी पक्की दावेदारी पेश करेगी अगले नॉकआउट्स के लिए। हाँ, निश्चित तौर पर अपनी पक्की दावेदारी। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता है 4 रन पीडी स्ट्राइकर्स का। और ये नो बॉल, और ये क्या है, छे, नो पे छे, इसे कहते हैं पारस नेक्स्ट छे। एकदम 7 रन वाला सिक्सर हो चुका है ये। एक गेंद और 12 रन, और ये डायरेक्ट लगा, डायरेक्ट लगा, वहां पे छक्का नहीं, वहां पे खतरे।
वाइट बॉल, बड्डे बॉय को वाइट बॉल और दूसरे को पीला बॉल डाल रहे हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर बैटिंग को आगे लेते जाते हुए रौनक भाई स्ट्राइक पर पहुंच गए हैं। रोहन जिन्होंने पिछले गेंद में सिक्सर मारा था, वही वो बाग की अगली गेंद और ये दोनों पैर के बीच में से पास हो चुकी है गेंद, डॉट बॉल कहलाएगी। सिंगल ही मिलेगा शायद यहाँ पे। ये व्हाइट बॉल, मैच में झटका खाने से पहले ही झटका खा गए हमारे मोहित भाई। टोटल 16, कितनी गेंदों में कितने रन चाहिए? विक्की आ चुके नए बॉलर। अरे भाई 18 गेंदों में कितने रन चाहिए? 42, 14 की औसत से रन चाहिए। काफी अच्छी गेंद डॉट आती हुई, 17 गेंदे 42 रनों की जरूरत। और ये 12 6, क्या बल्लेबाजी हो रही है। 12 6 आ चुका है मैच में घुमाव, आ चुका है सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, एक ही रन मिला। और ये देखिए विकेट निकाला हमारे आज के बर्थडे बॉय का। चेंडू टाकला होता तीन ओवर 23 रन 12 गेंदे, रिमेनिंग 12 डिलीवरीज रन रिक्वायर्ड, हाउ मेनी रन्स? अरे ऋतिक रोशन बताइए जरा, 12 गेंदे 35। प्रेम ने मजा लिया लेकिन इस लीग का। बिल्कुल बीच बीच में मुझे आते थे बताते थे भाई थोड़ा इसे उसका उकसाओ उसे उकसाओ, लेकिन मजा आया उनके साथ। आतिश ओवर डालने आए हैं और ये यहाँ पर कैच बन सकता था विकेट आतिश को। आतिश भाई की पोज, ये क्या किया जब एक बेवफा माशूका को आशिक पूछता है ये प्यार तूने क्या किया। और यहाँ पर हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे भोजन मंडप के कमिटी मेंबर योगेश भाई, इनका स्वागत है यहाँ पर। योगेश भाई स्वागत है आपका, आपकी वजह से सभी लोगों को स्वादिष्ट और जायकेदार खाने का मौका मिला। व्हाट अ कैच आयुष।
पधारो पधारो। और यहाँ पर गुजराती समाज के हमारे मित्र यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनका मैं JPL कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। वो ओवर के बाद हमने कहा है उनको अंकल जी, सात बॉल 21 रन और ये वाइड यहाँ पर सात में कितना चाहिए, 30 चाहिए, 30 सात में 29 चाहिए। अब मैं हमेशा ये मानता हूं जितना बड़ा सम्मान उतना बड़ा ज्ञान जरूर। आगे की बात मैं नहीं बताऊंगा, समझने वाले को इशारा काफी होना चाहिए। 6 में 27 सभी स्पॉन्सर्ड काम अलग अलग नहीं बोल रहे, बल्कि एक साथ सभी के नाम लिए जा रहे हैं। आज के हमारे फर्स्ट एड के जो स्पॉन्सर है वो है अरियंत मेडिकल। प्रवीण भाई चारों सीजन में हमारे ये फर्स्ट एड के स्पॉन्सर रहे हैं, जिनको भी यहाँ पर कमजोरी होती है या लगती है इंजरी होती है उन सबको फर्स्ट एड जो प्रोवाइड करते हैं वो है हमारे करजत के अरिहंत मेडिकल एंड जनरल स्टोर। नो बॉल या वाइट बॉल, वाइट बॉल। अरे सस्ता रन आउट, ना भागे ना दौड़े कप्तान सीधा डगआउट के अंदर, कोई प्रयास नहीं किया। उनको पता है कि हम अगले ग्राउंड में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं तो क्यों इंजरी की हम नौबत लाए। हाँ निश्चित तौर पर फर्स्ट एड जरूर है, लेकिन बिना वजह इंजोर को क्यों होना। और पप्पू भाई का यहाँ पे ग्राउंड स्ट्रोक, एक रन यहाँ पर मिलती है, दूसरी रन की यहाँ पर कोशिश बनती है लेकिन रन आउट का चांस और अंपायर का यहाँ पर डिसीजन का वेट। अंपायर का डिसीजन है 2 रन, नो वन शॉट, एक रन ना, मतलब खाली ओनली वन रन। दो बॉल 23 रन की जरूरत। देखिए और ये डॉट बॉल, फोन कॉल शुरू हो चुकी है। हर दिन यही काम हमारा, और बारिश के टाइम घर पे लेट के सो जाओ। ऑफ सीजन। और इसी के साथ लगातार तीसरी मैच यहाँ पर भारत ब्लास्टर्स ने जीत ली है और पीडी स्ट्राइकर्स को इस सीजन की पहली हार का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रा और जो मैंने आपको कहा था यंगस्टर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट।